हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आर्या वीएनएस में। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं केक। इसके लिए सबसे पहले हम ओरियो बिस्किट लेंगे। अगर वो नहीं है तो मैंने यहाँ पे बाउंस लिया है। पहले हम इसके अंदर के क्रीम को निकाल लेंगे, उसके बाद इसका एक पाउडर तैयार कर लेंगे। बहुत ही बारीक पाउडर होना चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ ऐड किया है चीनी, वो बहुत ही कम ही यूज करें क्योंकि पहले से ये मीठी है। तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच चीनी ली हूँ। उसके बाद थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसमें दूध थोड़ा थोड़ा करके ही यूज करेंगे, और हाँ, इसमें लम्स नहीं आने चाहिए। इसे लगातार हमें चलाते हुए इसे मिलाना है। जितना चलाएंगे उतना ही अच्छा ये बनके तैयार होगा। उसके बाद इसमें ऐड कर रहे हैं इनो। इनो एकदम लास्ट में ऐड करेंगे जब हमें रखना होगा। इसके पहले मैंने कढ़ाई प्री हीट होने के लिए रखा है। इनो डालने के बाद इसे एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे और इसे लगातार चलाएंगे। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से फूल के ऊपर आ जा रहा है। तो अब ये हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। उसके बाद हम केक पोट को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद उसमें रखेंगे बटर पेपर, अगर बटर पेपर नहीं है सिंपल पेपर भी रख के ऊपर से ऑयल लगा देंगे। उसके बाद उसमें केक के बैटर को डाल लेंगे और 2 बार टैप कर लेंगे ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। और जो कढ़ाई हमने प्री हीट होने के लिए रखा था उसमें बैटर को डाल के आधे घंटे के लिए ढक देंगे। आप देख सकते हैं आधे घंटे बाद ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसमें नाइफ डालने के बाद ये बिल्कुल ही अच्छे से बाहर आ जा रही है, इसका मतलब ये हो चुका है। उसके बाद हम इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद दूसरे प्लेट में इसे पलट लेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुई है। आप देख सकते हैं पीछे से ना ही थोड़ा भी जला है ना कच्चा रहा है। तो मैं आपको इसे हटा के दिखाती हूँ। बैटर पेपर को फिर अच्छे से हम हटा लेंगे। तो आप देख सकते हैं बेस कितना ही अच्छा बन के तैयार हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो क्रीम निकाली थी और जो डेरी मिल्क चॉकलेट आती है उसे अच्छे से मेल्ट कर लिया है। उसके बाद हम इसे इस केक पे डालेंगे और अच्छी तरीके से हर तरफ फैला लेंगे। उसके बाद हम इसे डेकोर करने के लिए यहाँ पे जेम्स चॉकलेट का यूज कर रही हूँ। आपके पास जो भी अवेलेबल है उससे आप इसे डेकोर कर सकते हैं। और यहाँ पे ली हूँ किटकैट, इसे भी इसमें लगा देंगे। इससे भी इसका लुक भी अच्छा हो जाता है और खाने में भी टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। तो देखिए अब बन के तैयार हो चुकी है हमारी चॉकलेटी केक। सच मानिए ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है, तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। और बहुत ही स्पॉन्जी भी बनी है। मैं आपको लास्ट में इसे कट करके भी दिखाऊंगी कि ये कितनी स्पॉन्जी बनी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब मैं इसे कट करके भी दिखा रही हूँ कि अंदर से कितनी स्पॉन्जी बनी है। तो आप देख सकते हैं दबाने पर कितनी स्पॉन्जी